जॉब है इसका, फ्यूज पूरा है ये ऐसे पता लगेगा। देखिए दिख रहा है अच्छा, ये जुड़ा घुमा हुआ है, यहाँ से कट जाएगा पूरा करना है, यहाँ से कट जाएगा मतलब वो फ्यूज बैक्स उड़ा से घर में उड़ता है ना, ये फ्यूज उड़ गया। इसको आप अगर बनाना चाहें मतलब नॉर्मली अगर कोई जुगाड़ नहीं है तो आप एक वो वायर ले करके इसमें लपेट करके डाल सकते हैं, फिर इसको ऐसे लगा सकते हैं, तार लगा सकते हैं, काम चले बोल फ्यूज हो गया। आप इसको लगा करके मतलब आपके स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है तो फ्यूज को पहले चेक कर लीजिए, उसको हो सकता है आपके फ्यूज उड़ा हुआ है, फ्यूज में दिक्कत हो। ठीक है चलिए, ये हो गया आपका डीजल फिल्टर हो गया। ठीक है, डीजल पंप इसमें नहीं दे रहा है, इसमें अंदर ही इलेक्ट्रिक पंप होता है जो अगर आपका फ्यूल ख़त्म होता है जैसे स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से पेट्रोल को भेजने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी डीजल पंप, ये होता है सेकेंडरी डीजल पंप। पेट्रोल डीजल पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी, डीजल गाड़ी है, डीजल डीजल गाड़ी है, फिर डीजल गाड़ी में आता है डीजल फिल्टर, डीजल फिल्टर हाथ डीजल होता है, डीजल फिल्टर होता नहीं है डीजल गाड़ी में, डीजल फिल्टर और डीजल पंप जो पुरानी गाड़ी होती थी उसमें यहाँ पे पंप होता था, जब ये पेट्रोल गाड़ी है हाँ सही बोले भैया वो पंप था, डीजल गाड़ी है पंप मारते थे, पेट्रोल डीजल गाड़ी है। पुरानी गाड़ी होती थी बोलेरो वगैरह, तेल को फायर करवाने का काम करता है प्राइमरी डीजल पंप। सबसे पहले जो डीजल आता है वो सेकेंडरी डीजल पंप में आता है, इसमें आता है, फिर ये फिल्टर छान करके इसको यहाँ पे देता है ये पंप के पास, ये छोड़ के वहाँ ये प्राइमरी डीजल पंप के पास, ये आपके नोजल के अंदर, ये नोजल हो गया आपका, चार सिलेंडर गाड़ी है तो चार नोजल हो गया, ये देखिए यहीं से जाकर चारों नोजल से जुड़ा हुआ है, इसको लाइनर बोलते हैं, लाइनर से जुड़ा हुआ है चारों आपका, ये एचपी पाइप इसी से जाता है, इसको एचपी पाइप बोलते हैं, एचपी पाइप हाई प्रेशर पाइप बोलते हैं इसको। गाड़ी हमारी चार सिलेंडर है तो इसमें चार पाइप दिखेंगे, इस पाइप को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये चार सिलेंडर गाड़ी है तो इसमें चार नोजल होंगे, नोजल इसको नोजल असेंबली बोलते हैं, अंदर होता है जैसे होता है ना उसके जैसा अंदर होता है उसको नोजल बोलते हैं, ऊपर वाले इसे को नोजल असेंबली, जब गाड़ी एयर ले लेती है हमारी तो इस नट को लूज करके इसमें से एयर निकल आता है, सारे यहाँ से बुझ बुझ करके तेल बाहर फेंकेगा तो ये समझिए एयर निकल गई गाड़ी, फिर हम इस नट को टाइट कर देंगे। ठीक है, चार सिलेंडर गाड़ी में चार नोजल चार पिस्टन और आठ बल्ब होते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो है ये तो इसमें पर सिलेंडर चार बल्ब होते हैं, इसमें सोलह बल्ब हाँ ये चीज़ को ध्यान रखना है, और जितने बोलेरो में आठ बल्ब होगा, बोलेरो में आठ बल्ब, जितने बल्ब होंगे उतने रिंग होंगे उसमें, उतने लॉक होते हैं। ठीक है, तो रिंग और लॉक ये भी याद रखिएगा, इंजन के पार्ट में आप बता सकते हैं क्या चीज़ का लॉक, जो उसको लगाने के लिए नोजल के अंदर होता है, पिस्टन के अंदर लॉक होता है, वो नोजल और पिस्टन का हाँ लॉक होता है, तो वो आप बता सकते हैं उसको रिंग और लॉक को। ठीक है, ये पावर स्टीयरिंग वायल इसमें डलता है, पावर स्टीयरिंग वायल टैंक बोलते हैं इसको, इसमें 700 ml अप्रॉक्स डलता है, 650-700 के आसपास। ठीक है, 700 ml स्टीयरिंग वायल, उसको टिक्की वायल भी बोला जाता है, स्टीयरिंग वायल को टिक्की वायल या ट्रांसमिशन वायल बोलते हैं। इसका भी नंबर होता है कि ना? नंबर नहीं होता इसका, स्टीयरिंग वायल सिर्फ एक ही आता है जो सारे गाड़ी में लगता है, और जो ब्रेक वायल क्लच वायल दोनों एक ही आता है, .3, .4 का सारे गाड़ी में एक ही लगता है। ये हो गया आपका वाइपर टैंक हो गया, इसमें शैम्पू और पानी का मिश्रण डाला जाता है। ठीक है, ये आपका कूलेंट बॉक्स हो गया, कूलेंट के लिए आप कह रहे थे ना रेडिएटर पर कि इसमें वो कन्फ्यूजन था आपका, 70% कूलेंट और 30% लिखा नहीं, यानी पर्ची सब पे लिखा होता है, 30% इसमें जो है आपका कूलेंट डाला जाता है, 70% डिस्टिल वाटर डाला जाता है। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, ये स्टीयरिंग वायल जो इसमें डालते हैं, ये स्टीयरिंग वायल का काम क्या है? स्टीयरिंग वायल का काम है, देखिए नॉर्मली स्टीयरिंग और पावर स्टीयरिंग में क्या फर्क है, जब भी गाड़ी का इतना लोड है तो स्टीयरिंग घूमेगा तो उस पर प्रेशर लगेगा, तो इसके लिए इसमें होता है स्टीयरिंग पंप, उस पंप में जाता है ये वायल और वो पंप पुश करके प्रेशर बना के स्टीयरिंग को स्मूथ करता है, स्लो कटिंग करने में दिक्कत मतलब जो सहायता करता है वो। अगर आपकी गाड़ी का पावर स्टीयरिंग हार्ड हो गया है तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि तेल हमारा गाढ़ा तो नहीं हो गया है, इसको खोल करके। ठीक है, देखिए निकाल करके इसको किसी